हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर टू के अंदर हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी। उसमें हम लोगों ने एक स्टेटमेंट देखा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमने एक स्टेटमेंट देखा था कि ये मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा हम लोगों ने देखा था। पर्टिकुलर कोई पॉइंट ले लो तो वो पॉइंट के लिए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को यहाँ पे पूरा प्रूफ किया है, जस्टिफाई कैसे किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। बात ये हुई कि हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस की थियरी में बताया गया था कि जो सरफेस होती है उस सरफेस पे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई भी आप एक ऐसी सरफेस ले लो, ये जो सरफेस है, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लोगे, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ये आपको पता है। ओके फाइन, अगर पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी अगर जीरो होगा, तो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल क्या था, क्यू इंटू डेल्टा भी, तो डेल्टा भी जीरो, तो वर्क भी क्या हुआ, जीरो हुआ। ये क्या कहना चाहता था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस सरफेस पे, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे अगर आप पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर ले जा रहे हो, आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर ले जा रहे हो, तो उसको ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोज में कोई वर्क करना पड़ता नहीं है। यू डोंट हैव टू डू वर्क टू डिस्प्लेस अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। ओके, सो वर्क इज जीरो, वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर वर्क क्या होता है, जीरो होता है। कौन सा वर्क, चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो जीरो होता है, ये आपके माइंड में बिठा लो। अब बात क्या है, ये फिक्स है, ये चीज फिक्स है। अब बात क्या है कि अगर ऐसा एज्यूम कर ले कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एंगल पे है, अगर ऐसा मान ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एंगल पे है तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट गिरेंगे, एक सरफेस के पैरेलल गिरेगा और एक सरफेस के परपेंडिकुलर गिरेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट गिरेंगे, एक सरफेस के पैरेलल गिरेगा और एक सरफेस के परपेंडिकुलर गिरेगा। फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट गिरेंगे, एक सरफेस के पैरेलल और दूसरा सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट, जैसे कि ये सरफेस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ कोई एंगल बना रही है, क्या बना रही है, एंगल बना रही है, तो इसके दो कंपोनेंट गिरेंगे, एक सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल है तो मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस पैरेलल कंपोनेंट के ऑपोजिट कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो, इफ ध्यान से देखना, सी ये एजम्पशन है, मैंने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, कुछ एंगल पे है, तो उसके दो कंपोनेंट गिरेंगे, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। उसमें जो पैरेलल कंपोनेंट होगा कहाँ पे, सरफेस पे, तो वो पैरेलल कंपोनेंट की अपोजिट डायरेक्शन में मुझे एक चार्ज को दूसरी जगह पे ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, क्या हुआ, ये
कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हुआ? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या बताती है कि वर्क कंपलसरी क्या होना चाहिए? जीरो। जबकि अगर मैं ये एजम्पशन लू तो यहाँ पे मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? कॉन्ट्राडिक्शन मिला। कॉन्ट्राडिक्शन मिला मतलब मेरा एजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। मेरा एजम्पशन रॉन्ग है तो मेरा एजम्पशन क्या है? मेरा एजम्पशन ये है कि ऑलवेज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कोई और एंगल पे है, नॉर्मल पे नहीं है, तो ये मेरा एजम्पशन रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर ही है। तो फिर से पूरा अच्छी तरह से ये बात ही है, ये मैथमेटिकल। तो यहाँ पे देखो, शो दैट द डिरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस आर सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा? वी माइनस वी। वी माइनस वी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। अगर आप लेते हो तो डेल्टा वी जीरो है तो वर्क भी जीरो हुआ। दैट इज टू शिफ्ट द चार्ज फ्रॉम ए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, टू शिफ्ट द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क क्या होगा? जीरो। ये प्रॉपर्टी इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। बट इफ वी एज्यूमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, इफ वी एज्यूमिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, कोई एंगल पे है, देन देर मस्ट बी नॉन जीरो कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन जीरो कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विच इज पैरेलल टू सरफेस, विच इज ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो एक नॉन जीरो कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा जो सरफेस के पैरेलल एग्जिस्ट करेगा। एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल हैज टू डू सम वर्क। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, विच इज द कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आया मतलब कि हमारा एजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। एजम्पशन रॉन्ग है मतलब पता चला कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ही है और कोई एंगल पे नहीं है। ओके, मैथमेटिकली उसको प्रूफ कैसे करें? भाई मैंने वर्क जीरो बोला तो वर्क इज इक्वल क्या है? ई डॉट डीएल। तो ई डॉट डीएल इज इक्वल क्या हुआ? जीरो। अब डीएल क्या है? डीएल क्या है? ये सरफेस पर का स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। ये ई है, ये डीएल है। ओके, तो डीएल एंड ई के बीच का एंगल ई डीएल कॉस थीटा होगा, लेकिन ई डीएल कभी भी जीरो हो सकते नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा इज इक्वल क्या हुआ? जीरो। अब कॉस थीटा जीरो कहां पे रहता है? जब थीटा पाई बाय टू रहता है तब। कॉस थीटा इज इक्वल जीरो तो थीटा इज इक्वल क्या होगा? पाई बाय टू। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट के बीच का एंगल कितना है? पाई बाय टू है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट के बीच का एंगल कितना है? पाई बाय टू। ओके, तो ये प्रूफ हो गया। दूसरी थियरी ध्यान से देखना। डिराइव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट डिस्टेंस r। पोटेंशियल का इक्वेशन डिराइव करना है, ध्यान से देखो। इसकी कहानी कैसे स्टार्ट होती है बताता हूं। कहानी क्या है इसकी? कि मैंने एक पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया मैंने? पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज मैंने कंसीडर किया। ओके, तो पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज जो है, कंसीडर अ क्यू चार्ज, पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज मैंने कंसीडर किया ओरिजिन पे। ओरिजिन ओ है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके फाइन। अब मैं क्या करता हूं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे स्मॉल क्यू इज इक्वल टू प्लस वन कूलम वाला एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहा हूं। स्मॉल क्यू इज इक्वल टू प्लस वन कूलम वाला एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कंसीडर कर रहा हूं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। आई एम कंसीडरिंग अ स्मॉल क्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सी दिस कैपिटल क्यू चार्ज जो है, इट इज नोन एज सोर्स चार्ज। कैसा चार्ज है वो? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर, जो बड़ा है। और ये जो स्मॉल क्यू प्लस वन कूलम है वो यूनिट टेस्ट चार्ज है। क्या है वो? टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो छोटा है।
बात ये है कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखो ये जो ओरिजिन है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूं पी, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये पी पॉइंट पे लाने की कोशिश करनी है। अब सोच यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पी पॉइंट पे लाने की कोशिश करनी है। अब आप लोगों सोचो ये प्लस क्यू चार्ज है ये प्लस वन कूलम चार्ज है दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब ये प्लस क्यू चार्ज इसको ऐसे मारेगा, ये रिपल्सिव फोर्स ऐसे लग रहा है, और हम ये फोर्स के ऑपोजिट डिरेक्शन में उसको प्लस क्यू चार्ज के नजदीक लाएंगे। किसको? स्मॉल क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा ऐसे, ओ से ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगा, और ये रिपल्सिव फोर्स के ऑपोजिट डिरेक्शन में हमें चार्ज को यहां पे लाने की कोशिश करें। अब ध्यान से देखें, फोर्स के ऑपोजिट डिरेक्शन में हम चार्ज को लाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। तो कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी। आई हैव टू डू वर्क ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट पी। ओके, हियर सोर्स चार्ज इज प्लस क्यू, टेस्ट चार्ज क्यू इज इक्वल टू प्लस वन कूलम। नाउ बोथ दी चार्जेस आर लाइक चार्जेस, सो देयर मस्ट बी रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा वहां पे? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। हियर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट। हाँ, ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि मैं ये स्मॉल क्यू चार्ज को ऐसे यहां पे लाता हूं, ऐसे लाता हूं कि ऐसे घुमा के लाता हूं, कुछ भी करूं, कोई भी पार्ट से लाओ, हर एक पार्ट मतलब ये जो वर्क है वो पार्ट इंडिपेंडेंट है। कैसा है? पार्ट इंडिपेंडेंट। क्यों पार्ट इंडिपेंडेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। वाई? हाँ, आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ा होगा कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा के यहाँ पे ये पॉइंट पे ले जाता हूँ, ऐसे घुमा के ये पॉइंट पे ले जाता हूँ, ऐसे ऐसे करके ये पॉइंट पे ले जाता हूँ, जो उसकी एनर्जी जो वर्क डन करना है वो हर एक पाथ पे क्या रहता है? सेम रहता है। मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में वर्क डन ऑलवेज पाथ इंडिपेंडेंट रहता है। कैसा रहता है? ऑलवेज पाथ इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो स्मॉल क्यू चार्ज था जो वन कूलम है उसको मैं पी पॉइंट पे लाने के लिए मैं कोई भी पाथ यूज करूं, वर्क डन हर एक पाथ में क्या रहता है? सेम रहता है। मतलब कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। कैसा है? वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट। ओके फाइन। अब मुझे ये बताओ कि ये सपोज कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद से ये मुझे बड़ौदा आना है, अहमदाबाद से मुझे कहां पे आना है? बड़ौदा में आना है। अहमदाबाद से मुझे कहां पे आना है? बड़ौदा आना है। तो मैं ये काम करता हूं, मैं अहमदाबाद से निकला, बड़ौदा आना है। रास्ते में मुझे कहीं पे भी सपोज कि रास्ते में मुझे कहीं पे भी भूख लगी तो मैं कोई एक जगह पे रुक गया, कोई एक होटल पे मैं रुक गया, तो एट सम इंटरमीडिएट व्हिच इज नोन एज इंटरमीडिएट पॉइंट, तो एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट पी डैश, तो मैं ये पाथ पे एक 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 इंटरमीडिएट पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूं पी डैश। क्या कंसीडर कर रहा हूं? पी डैश। अब ये जो पी डैश है वो ओरिजिन से कितने दूरी पे है? आर डैश दूरी पे। कितनी दूरी पे है? आर डैश। तो एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट पी डैश ऑन दी पाथ द फोर्स का इक्वेशन क्या होगा? तो बोलो ये कैपिटल क्यू है, ये कौन है? स्मॉल क्यू है। तो फोर्स एफ इज इक्वल क्या होगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वायर। क्या होगा? डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वायर। और अगर यहाँ पे वेक्टर लगाया है तो यहाँ पे क्या होगा? आर डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो स्मॉल क्यू क्या है? पॉजिटिव है, प्लस वन है,
तो स्मॉल क्यू की जगह मैंने वन रख दिया। ओके फाइन, मतलब कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो एफ इज इक्वल टू के क्यू बाई आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश कैप, वेर आर डैश कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो ओ से इन्फाइनेट या तो ओ से पी की ओर है, आर डैश कैप। ओके, मुझे फोर्स मिल गया। इस फोर्स के ऑपोजिट मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है। सपोज कि मैंने उसको डिस्प्लेस किया डी आर डैश जितना, कितना डिस्प्लेस किया डी आर डैश जितना, तो डी आर डैश जितना मैंने जब उसको डिस्प्लेस किया तो वर्क डन कितना होगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मतलब एफ डॉट डी आर हुआ, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा एफ डॉट डी आर डैश। तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्प्लेस डी आर डैश, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हुआ एफ डॉट डी आर डैश। अब मुझे ये बात बताओ कि क्या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डिरेक्शन में है कि ऑपोजिट डिरेक्शन में। अरे भाई मुझे पता चला कि भाई फोर्स जो है वो ओ से इन्फाइनेट मतलब फोर्स ओ से इन्फाइनेट डिरेक्शन में, ये फोर्स की डिरेक्शन है, जबकि मैंने डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां करता हूं पीडेस टू पी, मैं डिस्प्लेसमेंट पीडेस टू पी कर रहा हूं, तो डीआर डैश की डिरेक्शन उसके ऑपोजिट है, फोर्स की डिरेक्शन और डीआर डैश की डिरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट है मतलब कि फोर्स एंड डीआर आर एंटी पैरेलल, फोर्स एंड डीआर एफ एंड डीआर आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ 180 डिग्री हुआ, क्या हुआ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री है तो कॉस 180 क्या हुआ माइनस वन, क्या हुआ कॉस 180 माइनस वन। तो सीधी सी बात है मुझे यहाँ पे डीडब्ल्यू का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो डीडब्ल्यू का इक्वेशन क्या होगा एफ डॉट डी आर डैश, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो एफ डॉट डी आर डैश मतलब एफ डी आर डैश कॉस थीटा। अब एफ डी आर डैश कॉस थीटा में कॉस थीटा क्या ले लो माइनस वन, तो बोलो यहाँ पे माइनस लग जाए कि नहीं लग जाए, तो डीडब्ल्यू इज इक्वल क्या है माइनस एफ डी आर डैश। अब मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मिला, क्या मिला मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मिला, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किसकी वजह से है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किसकी वजह से है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मैंने चार्ज पार्टिकल को डीआर डैश जितना डिस्प्लेस किया, मैंने चार्ज पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस किया डीआर डैश जितना डिस्प्लेस किया तब मुझे ये स्मॉल वर्क मिला। नाउ टोटल वर्क क्या होगा बोलो, टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क का इक्वेशन टोटल वर्क W इज इक्वल क्या होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अरे W इज इक्वल क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dW होगा, टोटल वर्क W इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा dW होगा। अब यहाँ पे देखो W इज इक्वल इंटीग्रेशन dW क्या है माइनस एफ डी आर डैश, dW क्या है माइनस एफ डी आर डैश, लेकिन F क्या है F मैग्नीट्यूड में क्या है के कैपिटल Q बाई आर डैश स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस बाहर निकल गया K कैपिटल Q बाय R डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश होगा, माइनस बाहर निकल गया माइनस K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश। बोलो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जाएगा, इंटीग्रेशन मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया इनफाइनाइट से और जाना कहाँ तक है आर तक, तो बोलो इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा इनफाइनाइट टू आर, तो अपर लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट आर, अब लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट क्या हुई आर। अच्छा भाई लोअर लिमिट इनफाइनाइट अपर लिमिट आर, तो मैंने डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाहर निकल गया, ये इनफाइनाइट टू आर वन अपन आर डैश स्क्वायर और ये डी आर डैश हुआ। अब वन अपन आर डैश स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस वन अपन आर, माइनस वन मतलब माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस वन अपन एक्स, तो डब्ल्यू इज इक्वल क्या हुआ माइनस के क्यू माइनस वन अपन आर डैश कहां से कहां गया इनफाइनाइट टू आर, माइनस के क्यू और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस वन अपन आर डैश इनफाइनाइट टू आर, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, क्या हुआ माइनस माइनस प्लस, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर डैश, यहाँ पे क्या हुआ इनफाइनाइट टू आर हुआ, डब्ल्यू इज इक्वल माइनस माइनस प्लस
के क्यू वन अपन आर डैश इन्फाइनेट टू आर, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू एज इट इज रखो वन अपन आर डैश की जगह पे अपर लिमिट क्या रखो आर, और आर डैश की जगह पे लोअर लिमिट क्या रखो इन्फाइनेट, आर डैश की जगह पे अपर लिमिट क्या रखो आर और आर डैश की जगह पे लोअर लिमिट क्या रखो इन्फाइनेट, बट वन अपन इन्फाइनेट क्या होता है, वन अपन इन्फाइनेट क्या होता है जीरो, तो डब्ल्यू इज इक्वल क्या होगा के क्यू बाय आर, क्या होगा डब्ल्यू इज इक्वल वर्क इज इक्वल क्या होगा के क्यू बाय आर। नाउ अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल, पोटेंशियल की डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वी इज इक्वल क्या होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, वी इज इक्वल क्या होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। अब ये क्यू क्या है यहाँ पे वन कूलम है, वन कूलम तो वन कूलम है तो क्यू की जगह पे वन ले लो और डब्ल्यू का इक्वेशन रख दो के क्यू बाई आर, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल मिला वो है वी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई आर। ओके सिंपल सी बात थी, ये क्यू चार्ज, ये स्मॉल क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये वन कूलम, दिस इज स्पेस चार्ज, दिस इज सोर्स चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये इन्फाइनाइट से इसको यहाँ पे पी पॉइंट पे लाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो मैंने इंटरमीडिएट पॉइंट कंसिडर किया पी डैश जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे था आर डैश डिस्टेंस पे, तो वहां पे फोर्स क्या आया एफ इज इक्वल टू के क्यू वन बाई आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश स्क्वायर, फोर्स मुझे मिल गया। अब मैंने डी आर डैश जितना डिस्प्लेसमेंट किया तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हुआ एफ डॉट डी आर डैश, लेकिन एफ डॉट डी आर डैश मतलब क्या हुआ एफ डी आर डैश कॉस थीटा, अभी एफ जो डिरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डिरेक्शन में कौन है डी आर डैश है, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 180 डिग्री, तो कॉस 180 क्या होगा माइनस वन, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस एफ डी आर डैश। फिर मैंने टोटल वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या किया इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू की जगह पे माइनस एफ डी आर डैश रख दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस के क्यू वन अपन आर डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश, तो वन अपन आर डैश स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस वन अपन आर डैश, क्या होगा माइनस वन अपन आर डैश, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो वन अपन आर डैश इन्फाइनाइट टू आर लिमिट आ गई क्योंकि मैंने स्टार्ट कहां से किया था इन्फाइनाइट से और कहां तक पहुंचा मैं आर तक पहुंचा, तो आर डैश की जगह पे अपर लिमिट आर माइनस और लोअर लिमिट इन्फाइनाइट, तो वन अपन इन्फाइनाइट क्या हो गया जीरो, तो डब्ल्यू इज इक्वल क्या मिल गया आपको के क्यू बाय आर। नाउ पोटेंशियल का डेफिनेशन है कि पोटेंशियल वी इज इक्वल टू चार्ज वर्क पर यूनिट चार्ज, लेकिन यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्या है वन कूलम है, तो वी इज इक्वल आपको में क्या मिला के क्यू बाय आर। याद रखना थियरी, थियरी जो आप करते हो वो थियरी ये है, डिट्टो आपको याद रहनी चाहिए, मैंने भी डिट्टो आपको लिखवाई है, यही आप एग्जाम बोर्ड में लिखोगे तो कोई आपकी एक मार्क भी नहीं कट कर सकता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे सब पॉइंट सब चीज लिखी है, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। ओके तो आपको अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करनी है। थैंक यू वेरी मच।